हाय, दिस इज चुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। मुझे आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से, कमेंट से और लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मराठी टीवी इंडस्ट्री से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक अपनी एक्टिंग से छाप छोड़ने वाली एक्ट्रेस मयूरी केवल एक्टिंग ही नहीं बल्कि डियर आजो जैसी प्ले राइटिंग के लिए भी जानी जाती है। मयूरी द्वारा लिखा गया एक प्ले डियर आजो इतना पॉपुलर हुआ कि अब उनके गुजराती और कन्नड़ वर्जन बनना भी तय किया जा चुका है। अपनी लाइफ की हर मुश्किलों को झेल कर भी हमेशा दूसरों की लाइफ में खुशियां बिखेरने वाली एक्ट्रेस मयूरी के लाइफ से आप भी जीने की कला सीख सकते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। मयूरी देशमुख का जन्म 3 सितंबर 1992 को धुले महाराष्ट्र की एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में हुआ था। उनके फादर की ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से उन्होंने अपनी स्कूलिंग महाराष्ट्र के पुणे, पांढरपुर, नांदेड़, नासिक, मुंबई जैसे कई शहरों से की, तो कुछ क्लासेस की पढ़ाई उन्होंने विशाखापट्टनम से भी की। स्कूलिंग खत्म हो जाने के बाद डीवाई पाटिल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से उन्होंने अपना ग्रेजुएट कोर्स बैचलर ऑफ डेंटल साइंसेज में किया। पर बचपन से ही उनका इंटरेस्ट एक्टिंग और फिल्मिंग में था और वो हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती थी। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर मयूरी हमेशा से सीक्रेटिव रही है और अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बारे में वो मीडिया के सामने कभी पब्लिकली कुछ रिवील नहीं करती। वैसे उनके फादर प्रभाकर देशमुख बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर रहे हैं। एक्टिंग की तरफ हमेशा से रुझान होने की वजह से उन्होंने 2011 से थिएटर करना शुरू कर दिया था। बात तब की है जब वो डेंटिस्ट्री के सेकेंड ईयर में थी। मयूरी उस दौरान पढ़ाई में काफी अच्छी थी तो अपनी लाइफ में वो काफी कंटेंट और हैप्पी थी, फ्रेंड्स भी अच्छे थे, पर कहीं ना कहीं वो खुद को लाइफटाइम क्लिनिक से जुड़ा नहीं देखती थी। उन्हें अपने अंदर की क्रिएटिव एनर्जी का अच्छे से पता था और वो उसे एक्सप्रेस करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी एक्टिंग से उसे एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढने लगी। उन्होंने ये चेक करने के लिए कि उनमें एक्टिंग करने की काबिलियत है भी या नहीं, पहले कुछ एक्टिंग वर्कशॉप्स अटेंड की तो फिर कुछ और। फिर अपनी डेंटल स्टडीज खत्म करते ही अपने पेरेंट्स से उन्होंने एक्टिंग करने का सपना उनके सामने रख दिया। उनके डैड ने उन्हें उस टाइम पहले अपनी फाउंडेशन बनाने का सजेशन दिया और वो मुंबई यूनिवर्सिटी से थिएटर आर्ट्स में मास्टर्स करने चली गई। पीजी खत्म करने के बाद ही उन्हें इस फील्ड की डेप्थ समझ आई, चाहे वो राइटिंग हो, एक्टिंग हो या फिर कोई और डायनामिक्स, और बस तभी से उनका माइंड नई चीजें सीखने, समझने और अचीव करने के लिए खुल गया। और मयूरी ने तभी से अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ एक्सपेरिमेंटल प्लेस करना शुरू कर दिया। उसी दौरान उन्हें कमर्शियल का मौका मिला, उसके जस्ट बाद डेली सोप का, और फिर बैक टू बैक उन्हें अचीवमेंट्स मिलते चले गए। मयूरी ने अपने मास्टर्स के दौरान डियर आजो नाम का एक कंटेम्प्रेरी ड्रामा लिखा था और उस प्ले ने उन्हें लाइफ को जीने का बहुत कॉन्फिडेंस दिया। ये प्ले मयूरी के थॉट्स और इमेजिनेशन से उतरा था, लेकिन इतना प्यार मिलने पर उन्हें और भी प्लेज लिखने का मोटिवेशन मिला और इसलिए वो अपनी राइटिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आज तक बहुत ग्रेटफुल है। वैसे ये प्ले एक टिपिकल महाराष्ट्रीयन लड़की पर बेस्ड था जो अमेरिकन थी और उसे अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने को फोर्स किया गया था। इस प्ले को इतना सक्सेसफुल होने पर सभी को लगता था कि मयूरी को इसकी इंस्पिरेशन अपनी लाइफ से मिली होगी, बट रियलिटी में मयूरी के चारों ग्रैंडपेरेंट्स की डेथ जल्दी ही हो जाने की वजह से उन्होंने कभी अपने ग्रैंडपेरेंट्स के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किया। मयूरी बताती है कि प्लेज और डेली सोप्स में काफी डिफरेंस होता है। प्लेज के लिए स्क्रिप्ट 1-2 महीने पहले ही दे दी जाती है और एक टेक में उसे परफॉर्म करना होता है, वहीं डेली सोप्स में रोज स्क्रिप्ट दी जाती है और रीटेक्स भी मिलते हैं। उन्हें पर्सनली थिएटर्स में परफॉर्म करना ज्यादा खुशी देता है। मयूरी वैसे फ्यूचर में एक्टर के अलावा खुद को प्लेज, फिल्म्स, वेब सीरीज की राइटर बतौर भी देखती है। उनका मानना है कि एक राइटर को खुद के लिए बाउंड्रीज नहीं सेट करनी चाहिए बल्कि खुद को हमेशा दूसरी पॉसिबिलिटीज के लिए भी खुला रखना चाहिए। उन्होंने अपने करियर का मराठी मूवी डेब्यू 2014 से डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे मूवी से किया था, जिसके बाद वो 21 दीवाज और ग्रे जैसी कई मराठी मूवीज का पार्ट रही। 2016 से उन्होंने टीवी डेब्यू किया जी मराठी टीवी चैनल के खुलता कली खुलेना शो से, जिसमें उन्होंने मानसी नाम का किरदार निभाया था और उनका वो किरदार व्यूअर्स द्वारा सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया और इसी शो से उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती चली गई। जिस टाइम उनको ये पॉपुलैरिटी मिली थी उसी दौरान उनकी शादी आशुतोष भाकरे से हुई, पर डिप्रेशन की वजह से अनफॉर्चुनेटली आशुतोष ने 2020 में सुसाइड कर लिया। अपने हस्बैंड को खो देने पर मयूरी ने अपने लेट हस्बैंड के बर्थडे पर 30 केक्स बेक किए थे और उनमें से बेस्ट केक अपने हस्बैंड के लिए काटा। अपने हस्बैंड को खो देने पर भी इतनी मजबूती रखने वाली मयूरी ने ये प्रूव कर दिया कि वो एक फाइटर है। ज्यादातर मयूरी को सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बच्ची के साथ फोटोज डालते देखा जाता रहा है, बट वो उनकी डॉटर नहीं बल्कि आशुतोष की नीस है जो उनके दिल के बहुत करीब थी। मयूरी खुद भी बेबीज लवर रही है, ऐसे में काफी लोग उन्हें एडवाइस देते हैं कि उन्हें सेकंड मैरिज कर लेनी चाहिए, पर मयूरी कहती है कि उनके हस्बैंड भले ही उनके पास नहीं है पर वो आज भी उनके साथ ही है और शादी क्यों करनी है, वो अकेली भी मेमोरीज के सहारे लाइफ स्पेंड कर सकती है और वो कहती है कि बच्चे अडॉप्ट भी किए जा सकते हैं।
मयूरी की लाइफ को लेकर पॉजिटिव अप्रोच उन्हें एक स्ट्रांग वुमन साबित करती है और सभी को बुरे वक्त से लड़ने की सीख देती है। अपने माइंड को बैलेंस रखने के लिए वो योगा करती है और कभी भी फ्री नहीं बैठती। उनका मानना है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और वो एक बार में एक दिन को अच्छे से जीने की फिलॉसफी रखती है। उनका एम अपने काम के थ्रू ऐसा मैसेज देना है जिससे वो दूसरों की लाइफ में मीनिंगफुल इम्पैक्ट डाल सके और उनकी लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस ला सके। तो क्या मयूरी की इस लाइफ स्टोरी से मयूरी का वो सपना पूरा हो पाया है, यानी क्या आपको उनकी लाइफ से कुछ पॉजिटिव सीख मिली? कमेंट जरूर करें। यदि आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो मुझे कमेंट करके ये बात जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।